हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईटरी एक्सप्रेस। आज हम बनाने वाले हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैंकी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मिंट चटनी के लिए हमें 5 से 6 गार्लिक की ज़रूरत है और 4 जितने ग्रीन चिलीज ले लेते हैं। सेम क्वांटिटी में हमें धनिया और पुदीना ले लेना है और इन सबको मिक्सी में ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून से भी कम हम काला नमक ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून जितना दही ऐड कर लेते हैं हम। अब हम इसमें 1/2 नींबू जितना ऐड कर लेते हैं। सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं और हमारा मिंट चटनी रेडी। हम आज बना रहे हैं पनीर का फ्रैंकी, तो उसके लिए हम मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबलस्पून जितना हम मिर्ची पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून जितना हम चाट मसाला ऐड कर लेते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें पनीर का मसाला ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून जितना। ये टोटली ऑप्शनल है गाइस। हम इसमें 3 टेबलस्पून दही ऐड कर लेते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखिए हम बाकी सब में भी नमक ऐड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ऐड करिएगा। मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देना। तो हमने पनीर मैरिनेट करके रखा है, उसे हम शैलो फ्राई करके निकाल लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पनीर ऐड कर लेते हैं। अब हम पनीर को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और इसे 10 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। हमें इसे मीडियम फ्लेम में सॉटे होने के लिए दे देना है। हल्का सा फ्राई करना है और उसके बाद हम निकाल लेते हैं पनीर को। अब तक हम फ्रैंकी के लिए जो सलाद है वो रेडी कर लेते हैं। पहले तो हम थोड़ा नमक ऐड कर लेते हैं। प्याज, कैरेट, कैप्सिकम और पत्ता गोभी, जिसे हमने ऑलरेडी रेडी करके रख दिया है। अब हम इसमें काला नमक ऐड कर लेते हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा सा चाट मसाला। स्पाइसेस के लिए हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है गाइस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली फ्लेक्स ना ही ऐड करिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा सलाद रेडी हो गया है। फ्रैंकी के लिए जो रोटी है आटे का, वो हमने ऑलरेडी रेडी करके रख दिया। अब हम इसमें मिंट चटनी ऐड करके स्प्रेड कर लेते हैं। टोमेटो केचप ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा और इसे भी स्प्रेड कर देते हैं। हमने सलाद रेडी करके रख दिया है, वो हम ऐड कर लेते हैं। बीच सेंटर में इसी तरीके से हमें ऐड करना है कि जब हम फ्रैंकी का रोल बनाए तो ये आसान रहे। जो हमने पनीर रेडी करके रखा है उसे भी ऐड कर देते हैं। तो हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड करके इसका रोल बना देते हैं और फॉइल में अच्छे से इसे बाइंड कर देते हैं। तरीके से हमारा वेज पनीर रोल रेडी हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रैंकी की तरफ। सेम प्रोसीजर है, पहले थोड़ा सा मिंट चटनी स्प्रेड कर देते हैं रोटी पर। हम इसमें मायोनाइज ऐड कर लेते हैं। ये एगलेस मायोनाइज है, इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। हम इसमें जो हमने सलाद रेडी किया है वो ऐड कर लेते हैं। पनीर ऐड कर लेते हैं। सभी को हमें सेंटर में ही ऐड करना है ताकि हम अच्छे से बाइंड कर पाए।
हम ऐड कर लेते हैं चीज। पनीर मायो चीज फ्रैंकी रेडी हो गया है। अब हम इसका भी रोल करके फॉइल करके बाइंड कर देते हैं। हमारा लास्ट फ्रैंकी भी रेडी कर लेते हैं सेम तरीके से। इसमें थोड़ा सा मिंट चटनी ऐड करके इसे स्प्रेड कर लेते हैं। अब हम इसमें सिजवान सॉस या फिर सिजवान चटनी भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिजवान सॉस लिया है और हम इसे भी स्प्रेड कर लेते हैं। हम इसमें जो सलाद रेडी किया है वो ऐड कर लेते हैं। पनीर ऐड करके दे देते हैं। वन फ्रैंकी भी रेडी हो गया है। अब हम इसका भी रोल बना कर रेडी कर देते हैं। हमारे पनीर के तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैंकी। काफ़ी सिंपल रेसिपी है गाइस, प्लीज़ ट्राई कीजिए इसे अपने घर में और कमेंट करके बताइए मुझे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगते हैं। Thank you for watching guys. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more videos.